धनबाद में गौतम सेन गुप्ता ने जेएमएम के नेताओं पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गौतम सेन गुप्ता ने जेएमएम के जिलाध्यक्ष पर भाई को जान से मारने और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और इसी के साथ राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। धनबाद में सदर थाना क्षेत्र के ज्ञान मुखर्जी रोड के रहने वाले गौतम सेन गुप्ता ने जेएमएम के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू, जेएमएम के देबू महतो कल्याण भट्टाचार्य पर भाई को जान से मारने और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इसे लेकर राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। गौतम सेन गुप्ता ने जेएमएम नेताओं पर आरोप लगाया है कि जमीन माफियाओं से मिलकर ये लोग हीरापुर मौजा के प्लॉट नंबर 985, 986, रकबा 17/6 को हड़पने के लिए भाई अजीत सेनगुप्ता को शराब पिलाकर हत्या किया गया। उसके बाद उल्टा हमें ही फंसा कर जेल भिजवा दिया गया और जमीन हड़प लिया गया। साथ ही हमारे घर पर जेएमएम का झंडा लगाकर घर भी हड़पने की कोशिश की गई। आरोप लगाया कि जमीन माफियाओं ने 9 सितंबर 2019 को भाई अजीत सेनगुप्ता की हत्या करवा दी। इसमें कई पुलिस अधिकारी की मिलीभगत और लापरवाही की बात कही जा रही है। कहा कि भाई की हत्या मामले में वर्तमान एसएसपी किशोर कौशल और थाना प्रभारी अखिलेश चौबे ने भी गंभीरता से नहीं लिया। कहा कि अभी भी इन जेएमएम नेताओं के द्वारा धमकी दी जाती है, इसलिए राज्य सरकार से आग्रह है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या समस्या आपकी, क्या हुआ आपके साथ? मेरा भाई का जमीन माफिया ने जमीन के लालच से हत्या की है। हमने डीसी, एसपी, ओसी से समेत संबंधित सभी पदाधिकारी को दिए, लिखित दिए, हमारा जमीन का कागजात दिए, किंचित नहीं मिला। लास्ट में हम मुख्यमंत्री से आवेदन किए, पहले भी मुख्यमंत्री का ट्वीट किए थे 4 जुलाई को 7 जुलाई को, फिर मुख्यमंत्री से आवेदन कर किया कि सर आप इस हत्या को और इस जमीन लूट को सीबीआई जांच कराएं, ताकि हमारे कहाँ जमीन था आपका, हीरापुर लूटा है, कितना जमीन था? जमीन हीरापुर प्लॉट नंबर 985, 986 है, मौजा 7, खाता 108 है, हीरापुर में ही ज्ञान मुखर्जी रोड के पीछे। कौन लोग लूटा जमीन, किन लोग? देबू महतो, कलेश्वर महतो के गिरोह। कौन है ये? इसमें ये लोग जमीन माफिया बड़ा बड़ा, इसमें रमेश टुटू भी है, कल्याण भट्टाचार्य जी, सुरेश सिंह है, लोग काफी दिनों से हजारों लोगों को परेशान किया, हमको भी परेशान किया और भाई को हत्या की। जेएमएम से जुड़े हुए लोग और हमारा भाई की हत्या के पीछे ऐसे 2002 से लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। हमको पुलिस द्वारा अरेस्ट भी करवाए बिना मतलब, हमको साल भर तंग भी करते थे, हम डराए धमका भी, हमने डीसी को भी लिखित दिए, एसपी को भी लिखित दिए। हाल फिलहाल इस जेल हमको इसके भाई के मर्डर के कारण हमको जेल भेज दिया है लोग कि आत्महत्या आपने करवाए प्ररोचित कर। 6 महीना मैंने तो बिना बजे जेल भेजा गया, इसमें बहुत बड़ा खर्चा भी हो गया हमारा। कब हत्या किया गया था? हत्या किया गया था 15/9/2019 को। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहते हूँ, नहीं चाहता हूँ कि हमारा ऊपर जो ये लोग टारगेट कर रहा जान से मारने का तथा जमीन लूटने का, जो हमारा गेट हटा कर अपना गेट जबरन लगाने का कोशिश किया, जबरन जमीन पे ये चला दिया, ट्रैक्टर डोजर चला दिया, ये ना हो। हमारा सारा कागजात है, म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, डीड है, फिर भी लोग प्रशासन सीओ के मिलीभगत से जमीन लूटने चाह रहा और हमें भी हत्या कर। प्रशासन सरकार से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन चाह रहे से हमको न्याय मिले, हमारे जो कागजात है उस पर हमको अधिकार दिया जाए और हमको न्याय मिले। ठीक, परिचय में बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गौतम सेन गुप्ता हो गया, हीरापुर ज्ञान मुखर्जी रोड, हीरापुर निवासी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।